तो अभी हम आ गए हैं खेत पे, तो दिखाते हैं आपको गांव के जो खेत होते हैं किस प्रकार के होते हैं। जय श्री राम। ये हमारे बद्री काक्सा, इधर बाजी इधर मूला निकालते हैं खेत से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी प्रकार। क्या कर रहे हो भाजी? मूला निकाल रहा हूँ। तो ये देखो मूला निकालते हुए, मूली बो रखी इधर, ये निकला देखो। ये पूरा कह रहा मूली से गई। मेथी में दाना बेणी देखो, ये जो पूरा क्यारा है ना इस तरफ का, ये सारी इसके अंदर ये गाजर बो रखी है ना। ये इधर गाजर है, ये इधर मूली है, ये देखो इतनी सारी मूली निकाली है। काफी है ये तो, काफी है। ये इधर मेथी बो रखी पूरी। ये इधर पूरा खेत गेहूं का बो रखा है। हाँ अभी इधर आते हैं, अभी इसमें पिलाई चल रही है, आपको बताते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो अंकल जी उधर खेत के अंदर पिलाई कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस खेत के अंदर चूहे खूब हो गए हैं, चूहा का कुछ इलाज बताया जाए। ये देखो जो गांव की जो मतलब डांगी बोलते हैं हमारी भाषा में, इस प्रकार की होती है, इसी के अंदर गेहूं बनेंगे, अभी टाइम लगेगा। तो ये है गेहूं, रबी की फसल के अंतर्गत आता है ये गेहूं। क्या कर रहे हो काकी साहब? चींट का ले जा रहे हो? तो ये देखो लकड़ी ले जा रहे हैं, चूल्हे पर बनाओगे रोटी है ना? तो ऊंचाई क्या आपको? चलो इनको ऊंचाते हैं अभी। तो ये देखो इनको लकड़ी ऊंचा दी है, अब घर ले जाओगे ना? चलो ठीक। तो सब काम चूल्हे पे ही करते हो? अच्छा अच्छा, तो देखो ये राजस्थान में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। चूल्हे पे रोटी बनाने में और गैस पे रोटी बनाने में क्या फर्क लगता है आपको? अच्छा, चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है ना, इसलिए आप चूल्हे पे ही बनाते हो? चलो ठीक ठीक। Thank you.
ये देखो इस प्रकार खुले में रख रखा है चारा, यही चारा ये भैंस खाती है। वो देखो भैंस उधर है पाटी, तो ये पाटी इधर देखो ये चारा खा रही है सुबह सुबह, भूख लग रही है इसको। तो ये देखो इधर मूले पाड़ लिए हैं, निकाल लिए जमीन से, अब हम ले जाएंगे इनको घर, आपको बताएंगे। बाल्टी भर गई, तो देख सकते हो कुएं में इतना ही पानी है। कितनी देर चली मोटर आज? दो घंटे ही चली है, दो घंटे जितना ही पानी है कुएं के अंदर। दिखाते हैं आपको कुएं की स्थिति, ये देखो कुएं के अंदर इतना सा पानी है, बिल्कुल बिल्कुल देखो आपको पेंदा दिखाई देने लग गया दो घंटे के अंदर ही। देख सकते हो कुएं के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, जूम करके दिखाते हैं आपको, ये स्थिति है कुएं के अंदर की। तो पानी की बहुत दिक्कत है किसान को, किसान हर तरह की समस्याओं से इस वक्त जूझता हुआ, सरकार को और भी विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।